उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाल ही में हुई हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात आज लखनऊ में होने जा रही है। ये मुलाकात उस समय हो रही है जब मृतक के परिवार ने अपनी पीड़ा और न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला लिया। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के बाद पथराव और उसके बाद की फायरिंग में 22 साल का रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। ये घटना रविवार शाम को हुई जब रामगोपाल अपने दोस्तों के साथ विसर्जन जुलूस में शामिल था। जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो लोगों के बीच कहासुनी हो गई जो जल्द ही लड़ाई में बदल गई। इस दौरान छतों से पत्थर फेंके गए जिससे भगदड़ मच गई। रामगोपाल अकेला पड़ गया। उसे कुछ लोगों ने पकड़कर एक घर के अंदर ले जाकर बुरी तरह से पीटा और गोली मार दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के परिवार से मिलने का फैसला लिया। इस मुलाकात में रामगोपाल की पत्नी रौली, पिता कैलाशनाथ और अन्य लोग शामिल हुए। कैलाशनाथ ने कहा कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया जो उनकी परेशानी को दिखाता है। मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि हथियारों का एनकाउंटर होना चाहिए ताकि उन्हें सजा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाना चाहिए। रामगोपाल की मां ने रोते हुए कहा कि हमें बस न्याय मिलना चाहिए, जबकि भाई ने कहा कि हमें दोषियों का एनकाउंटर चाहिए। बहराइच में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से रोका जा सके। इसके अलावा भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात मृतक के परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो अन्य न्याय दिलाने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। इस घटना में न केवल बहराइच बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या ठोस कदम उठाती है और मृतक के परिवार को कब तक न्याय मिलता है।